सदर सांसद रवि किशन ने गोला गोकरण उपचुनाव में बीजेपी के जीत पर कहा कि लखीमपुर के गोला गोकरण विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत हुई है, जो कि 30,000 वोट से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को हराकर चुनाव जीता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के कार्यशैली से सभी लोग खुश हैं। पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। देश व प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कार्य ईमानदारी से होता है। प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी सभी को मिल रहा है। किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके अलावा अब प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज व एम्स बनाने की तैयारी शासन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगे हम लोग गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, बीजेपी ने शानदार जीत एक साथ लगा लो, ऐतिहासिक एकदम, बहुत पूज्य महाराज जी, डबल इंजन सरकार के साथ ये सक्सेस रहेगी। और अब देखिए, हम लोग गुजरात जीतेंगे, यहाँ तो जीत गए, अब गुजरात जीतेंगे, फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश जीतेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतेंगे। डबल इंजन सरकार का चमत्कार है, जहाँ निस्वार्थ त्यागी होते हैं वहाँ जीत होती है। हर महादेव। देखिए पूज्य महाराज जी, डबल इंजन की सरकार के कार्यशैली से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई शुभाई नहीं था। हम उस वक्त महाराज जी के साथ ही थे जब वो खबर आई थी कि हम लोग तभी 23,000 हमको हेलीकॉप्टर के पास जा रहे थे हम लोग साथ, तब पता चला हम लोगों को खबर आई थी 23,000 की लीड है। डबल इंजन की सरकार है, कार्य जब आप ईमानदारी से करते हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जब जनता का पैसा एक एक रुपया टैक्स का जनता को दिखाई दे रहा है, सड़क पर, बिजली में, काम में, इलाज में, किसान के खाते में, बहन बेटी के पढ़ाई में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज में, हर तरीके से। आप पहले बात बताओ, कल ही महाराज जी बता रहे थे कि शायद दिल्ली में होगा कि एक ही जिले में मेडिकल कॉलेज और एम्स साथ में है। तो उस तरह से जब महाराज जी पर इतना विश्वास है, यशस्वी प्रधानमंत्री पर विश्वास है, हम लोग अभी गुजरात जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी गुजरात में, क्योंकि काम वैसे वहाँ पर हुआ। मैं भी वहाँ प्रचार में जा रहा हूँ। गुजरात जीतेंगे, उसके बाद हम लोग राजस्थान जीतेंगे, हिमाचल प्रदेश जीतेंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। ये कोई घमंड नहीं है। जब आप ईमानदार रहते हो, जब आपके प्रधानमंत्री पे, आपके मुख्यमंत्री पर एक दाग नहीं होता, तो आप वहाँ जीतते ही जीतते हो। जनता पागल नहीं है, जनता 70 साल भोग चुकी है, जनता झूठ की दुनिया में रह चुकी है। अब जनता को चाहिए कि क्या हम, मेरे भविष्य, मेरे बच्चों के भविष्य को कौन सुरक्षित दे रहा, सुरक्षा कौन दे रहा, माफियाओं को ध्वस्त कौन कर रहा है, नीच लोग, गंदे लोगों को कौन खत्म कर रहा है, पापी लोगों को कौन कड़क टाइट करके रख रहा है, वो बात है। तब आपकी डबल इंजन की सरकार चलती है, जहां पर आपके निस्वार्थ त्यागी होते हैं मोदी जी, पूज्य योगी जी। तो आप जीतना ही जीतना है, जहां आप करप्ट होगे, जहां पर अपन जेब भरबा, अपने परिवार का करोगे, अपने लिए स्वार्थी सोचोगे, आप हारोगे, ये तय है। ये दुनिया के, आप दुनिया को आप बेवकूफ, आप जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सब लोग पढ़ लिख चुके हैं। आप किसी को बेवकूफ इस भारत में, इस नए भारत में अब 2014 के बाद नहीं बना सकते, क्योंकि मोदी जी ने सारे झूठ के पर्दे नोच के फेंक दिए हैं।